Hi everyone, welcome back to my channel. For those who know me and for those who do not know me, my name is Vriti. This is my world, this is my channel, this is my space. Drum roll. How are you guys? For new ones, my name is Vriti. I create content on fashion, food, travel, lifestyle, market vlogs, basically everything and anything that I love, like and resonate to. And for the old ones, thank you so much for again clicking on this video. So how are you guys? By the title, agar aap logo ko nahi pata chala to main aapko bata deti hu. So me and Mother India, हम लोग निकले हैं, हम लोग जा रहे हैं चांदनी चौक. चांदनी चौक में है भागीरथ पैलेस, जो है लाइट्स मार्केट. जिसने मेरी भागीरथ पैलेस वाली वीडियो नहीं देखी, देख लो, नीचे मैं टैग कर दूंगी. ओके, तो भागीरथ पैलेस बेसिकली बहुत बड़ी लाइट्स मार्केट है एंड इट इज़ द ओल्डेस्ट मार्केट इन एक्चुअली होल ऑफ इंडिया व्हेन इट कम्स टू लाइट्स. तो मम्मी को ना घर के लिए कुछ लाइट्स लेनी है, कुछ चीज़ें लेनी है, प्लस मुझे मेरे इतर ख़त्म हो गए हैं, मुझे वो लेने हैं. जो मेरी चांदनी चौक वाली वीडियो जैसे वो नहीं देखी, वो भी मैं नीचे डाल दूंगी, आप वो भी देख सकते हो, तो आपको पता चलेगा कि मैं कहाँ से क्या ले रही हूँ. सो बेसिकली इट इज़ अ डे आउट विद मॉम वेयर वी हैव टू डू अ लिटिल बिट ऑफ शॉपिंग एंड घर के लिए कुछ कुछ सामान लेना है. सो हु ऑल वॉन्ट्स टू सी वॉट इज हैपनिंग टूडे एंड वॉट आर वी डूइंग, देन लेट्स गेट इन टू द वीडियो. लेट्स गो. I used to hate my school van and जो हमारे भैया चलाते थे उनका नाम नहीं मुझे याद, मैं पृथ्वी से पूछूंगी. एक आँख एक डंडी होते थे, लेकिन वो गाड़ी ऐसे चलाते थे जैसे वो पता नहीं हायाबूसा उड़ा रहे. एंड ही यूज़ टू कीप ईटिंग समथिंग और वो एक ही रेडियो पर चैनल लगा के रखते थे, AIR FM रेडियो, और बस उस पर वो लड़की बोलती रहती थी और वो खुश होते रहते थे. क्या मेरे को अभी वो याद, मम्मी ने एक्चुअली मुझे दिखाया कि वो देख सामने देख. फाइनली वी आर जस्ट अबाउट टू रीच एंड पहले हम लोग जाएंगे सीसगंज गुरुद्वारा और उसके बाद हम दिन की शुरुआत करेंगे. तो हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और अब हम लोग जा रहे हैं पराठे वाली गली की तरफ, बिकॉज बहुत भूख लग रही है दोनों को. दोनों ने कुछ नहीं खाया हुआ, गर्मी बहुत है, गर्मी से ज़्यादा ह्यूमिड बहुत है क्योंकि कल बहुत ज़्यादा बारिश हुई है. तो मैं आपको मिलूँगी जब मैं सेटल होंगी कहीं पे कि हम कहाँ खा रहे हैं, कौन सी जगह. सो आई विल सी यू देन. सो अ लॉट ऑफ यू मे नो एंड अ लॉट ऑफ यू मे नॉट नो दैट चांदनी चौक इज़ नॉट ओनली फेमस फॉर कपड़े एंड घर का सामान. चांदनी चौक इज़ सुपर फेमस फॉर फूड. वहाँ पे ये गलियाँ इतनी छोटी छोटी सी हैं, इनको पराठे वाली गली कहते हैं, लेकिन क्या कमाल का खाना मिलता है. आप इनको बाहर से मत देखो, अगर आप यहाँ पे जाओ तो किसी भी दुकान में घुसो, जो भी आपको पसंद आ रहा है, और वहाँ पे एक बार ट्राई ज़रूर करो, दे आर रियली गुड. तो मैं और मम्मा आ गए हैं यहाँ पे. नीचे से ना आपको ना बड़ा ही ऐसे सा लगेगा, ऊपर आके हमें एसी मिल गया, हम एसी में बैठ गए हैं. अब अच्छा, तो हम लोग यहाँ पे आ गए हैं. अभी हम लोगों ने अमृतसरी कुलचा कुछ किया है, मम्मी ने मीठी लस्सी करी है, पता नहीं सुबह मम्मी क्या ही, तो चलेंगे क्या ही देखेंगे. और मैंने किया है, क्या किया है आपने किया, शिकंजी करी. तो आएगा और मैं फिर आप लोगों को दिखाऊंगी. इसमें क्या है पर जो भी बड़ा अच्छा है. तो वृंदावन का सोया या तो मिलेगा ही दिल्ली में घूमने पर.
जी तेरे मतलब है। कहाँ है स्पाइसी? कहाँ है? इट हैज वेरी गुड फ्लेवर, वेरी गुड फ्लेवर। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हम लोग आगे जाएंगे एंड मम्मा वांट्स टू पिक अ फ्यू थिंग्स और जैसे जैसे जाएंगे आपको पता चल जाएगा। तो हम यहाँ से निकल रहे हैं। सो ये दुकान चांदनी चौक में है और ये बहुत ही पुरानी दुकान है। ये पहली ही फ्रंट रूम में है। आई बेसिकली गो टू दिस पर्टिकुलर शॉप क्योंकि मैं यहाँ से अपने इतर लेती हूँ एंड आई नो इनके इतर बहुत प्योर होते हैं। दे नोन फॉर देयर फ्रेग्रेंसेस, प्लस इनके पास धूप बत्ती अगरबत्ती भी होती है, रूम फ्रेशनर्स भी होते हैं। सो आई मोस्टली गो हियर टू बाई माई इतर और इस बार ही मैंने उनसे धूप बत्ती और अगरबत्ती भी ली थी एंड बहुत ही प्यारी फ्रेग्रेंस है एंड इट इज़ गोइंग वेरी वेल। तो जी हम लोग रिक्शे में बैठ गए, वहाँ से हम लोग निकल गए हैं। ये हमारी मदर इंडिया। अब हम लोग जा रहे हैं भागीरथ पैलेस। तो है यही स्ट्रेच, इसी रोड पे आगे है, लेकिन ना मेरा ना थोड़ा सा लेग का पेन शुरू हो गया है। पता चला कि मैं यहाँ से वहाँ तक उठा के जाती हूँ कि बैग में सामान है जो हमने लिया है लेके जाती और उतने में हालत ख़राब हो जाती, तो हम लोगों ने रिक्शा ले लिया। तो विद इन अगर आप चांदनी चौक रिक्शा लो ना तो आप कहीं से भी कहीं पे भी जाओ 1 पर्सन का 20 रुपीज़ लगता है। तो हम जा रहे हैं भागीरथ पैलेस। सो द अपडेट इज़ कि मम्मी को अपने ना रूम के लिए एक बाबा जी की फ़ोटो है उसके लिए फ़ोटो लाइट चाहिए थी, तो अभी वो तो ले रहे हैं हम पैनल क्योंकि लाइट आई थिंक ट्यूसडे को ख़रीदते नहीं हैं। और हमें हमारे पैसेज के लिए लाइट चाहिए है और उसके लिए हम लोग फिर वापस आएंगे बिकॉज ट्यूसडे को अपेरेंटली ख़रीदते नहीं हैं एंड आई डोंट नो वॉट कलर्स डू आई वॉन्ट टू पुट इन दैर। तो आज जाके मैं वो करूँगी एंड देन प्रॉब्ली कल या परसों हम आके दूसरी वाली लाइट्स लेंगे। एंड अभी अंदर इतना ज़्यादा रश हो गया कि मैंने मम्मी ने यू टर्न मार लिया, तो ये तो एक शॉप हमें ना दिख गई जाते हुए। तो मम्मी अपनी अपनी फ़ोटो वाली लाइट उठा रही हैं एंड उसके बाद प्रॉब्ली वी लीव बिकॉज इट्स वेरी क्राउडेड टुडे। तो पहले हम लाइट ले लेते हैं फिर हम आपको बाहर मिलते हैं। नाउ द वेदर इज़ एज सच, मेरे को इतना सैड हो रहा है ना, मैं चांदनी चौक आके मैं कुछ खा नहीं पाई। मैंने उस टाइम भी आई जस्ट हैड 1 or 2 bites और शुद्ध देसी घी जलेबी जलेबी नहीं खाती मैं। आई डोंट लाइक मीठा, आई वॉन्ट हैव समथिंग तीखा। पता नहीं, अभी देखो हम लोग रेड फोर्ट की तरफ वे लीविंग, लेट्स सी। Yeah.
हाय एवरीवन, सत श्री अकाल। सो बाय द वे, अभी तक वो चांदनी चौक और भागीरथ पैलेस वाली वीडियो आई होप आप लोगों को अच्छी लगी हो। अब जो आप इसके बाद वीडियो देखोगे वो बेसिकली मम्मी के बर्थडे व्लॉग का कंटिन्यूएशन है, बिकॉज उसमें मैंने बाकी तो सारी चीज़ें दिखा दी थी लेकिन ये नहीं दिखाया था कि ज्योति ने मम्मी को क्या भेजा है, क्योंकि तब तक ज्योति ने जो सामान मम्मी को भेजा था वो डिलीवर नहीं हुआ था, वो मैंने शूट करके रखा हुआ था। सो अब इसके बाद वॉट एवर आई एम गोइंग टू शो यू वो बेसिकली मम्मी का गिफ्ट है जो ज्योति ने मम्मी के लिए भेजा था। ऑल्सो वन मोर थिंग, जब ये आप वीडियो देख रहे हो, नेक्स्ट अब जो शॉट आएगा आई एम गोइंग टू अनाउंस गिव अवे विनर्स इन दैट शॉट। सो दिस इज माय बर्थडे गिफ्ट सेंड बाय समबडी वेरी क्लोज एंड इन केसेस ज्योति। सो इफ यू डोंट नो, वैसे हो नहीं सकता, बट ज्योति इज वन ऑफ माय बेस्टेस्ट फ्रेंड्स, if bestest is a word, she is that, and ये ज्योति ने मम्मी के बर्थडे के लिए भेजा था और ये मम्मी के बर्थडे वाले दिन डिलीवर होना था, लेकिन मम्मी को एक कॉल आई थी क्योंकि ये सरप्राइज था, तो मम्मी ने बोला मैंने तो नहीं कुछ होम सेंटर से वो ऑर्डर किया तो ये दो दिन डिले हो गया, तो ये आज सुबह आया है एंड आई थॉट ऑफ इंक्लूडिंग दिस एज वेल इन द वीडियो। मफिन भी आ चुके हैं देखने के लिए अपनी ज्योति का गिफ्ट। सुने ज्योतु, ज्योतु ने भेजा ये। बथेरी चीजें हैं, वो उसको देखो, वो सोच रहा है उसके लिए। ये ले, ये तो हमारे घर में कुछ भी आता है इस लड़के ने पहले सुनना होता है, इसको हम दिखा के खोलते हैं चीजें। सो मेनी थिंग्स, ओह माय गॉड, सो मेनी बॉक्सेस, ओह वाओ। लेकिन मेरे सब काम का है। हाँ तो उसको ना एक्चुअली पता था कि मम्मी को क्या 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 चीजें चाहिए। दिस इज बैम्बू किचन रोल होल्डर। नाइस। ओके, सो दीज आर टू। दिस इज बनाना स्टैंड। मफिन। या बम बनाना स्टैंड, क्योंकि मफिन खाता है ना रोज। ओके, दिस इज हैवी। Definitely, this is not bamboo. Good packing. Got it. What is it? Serving trays. Beautiful. This is so cute, yeah. Jyoti! So it's, I think, a set of four. Yeah. I think, हाँ, they cups and sauce, वो भी हो सकता है ना? मतलब यहाँ, हाँ, because अभी this is so cute. I normally don't like prints, but I love this print, यार. सुंदर कितना लग रहा है? ये देख, ज्योति ने मम्मी के लिए भेजा सामान, तेरे लिए कुछ नहीं भेजा, देख ले, मम्मी के लिए भेजा उसने. ओले, मिलो बच्चा, ये जानू. इसकी तबीयत खराब हो रखी है यार। मग्स, पता है मैंने इसको ना फोटो खींच के भेजी थी कि कितने बड़े मग्स हमें लगते हैं, मैंने ऐसे ऐसे करके इसको फोटो खींच के भेजी थी, मैं यहाँ पे लगा दूंगी आपको देखना। दिस इज सो सो रॉयल, सो प्रिटी, जोजो लव यू यार, दिस इज सो 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 नाइस। ज्योति बस ठीक है, हाँ, वेरी ब्यूटीफुल। लड़की ने मेहनत करी है मम्मी के बर्थडे गिफ्ट के लिए। यस, दिस इज सो नाइस, वेरी नाइस, वेरी रॉयल। वो इन फ्रंट ऑफ द, नो, नॉट इन फ्रंट ऑफ एनीबॉडी, आई एम गोना यूज देम। या या, मतलब इंडियन माय लग के, नहीं नहीं, मैं अब कहां। अरे अभी भी बथेरा सामान है अंदर। मैं तो यहीं पर खड़ी रहती हूं। ये छोटे वाले वो वाले होंगे टी मग्स, ये हाँ, दिस कैन बी यूज्ड बोथ फॉर टी एंड जूसेस एंड कॉफी एज़ वेल एंड कॉफी एवरीथिंग। तो मग्स यूज करती हूं, एंड ये सेम है। हाँ, तो ये पूरा ऐसे सेट है। दिस इज सो नाइस यार। हाँ, दोगी चार ये भी आए हैं। मम्मी वाह, मम्मी ये तो बल्ले बल्ले हो गए, बल्ले बल्ले किचन दी, बल्ले बल्ले। हाँ,
इंडियन माओ को और क्या चाहिए होता है, उनको उनके किचन का घर का सामान ही दे दो, खुश रहती है। ओह माय गॉड, मोर मग्स, उसको पता है कि हमें मग्स कितने पसंद है। एंड मुझे नहीं थे, ओके, तो आपको पता है जैसे रोज रोजमर्रा में बात होती है, यार ये ट्रे टूट गई, यार ये ग्लास ऐसे, यार मग सारे ऐसे हो गए हैं, सो शी लिटरली केप्ट एवरीथिंग इन दिमाग की ऐसे 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 बदर, एंड शी ऑल्सो नोज दैट मम्मी को किचन का सामान कितना पसंद है। एंड ऑफ टू द लास्ट थिंग, आई होप, यस, ओके, दिस इज ब्यूटिफुल, क्या बात है लड़की, She knows the aesthetics of her house, curtains, everything. तो उसको match करते हुए। हाँ, obviously. वैसे मैडम खुश, क्या बात है। चलो उसको कॉल लगाएं। बहुत कम लोगों को पता है कि मेरे से ज़्यादा मम्मी और ज्योति एक दूसरे में गुस्से पड़े रहते हैं। Wait. Thank you so much. Vegan everything. I loved it. Sare. They are so beautiful. Thank you. Thank you. Thank you so much. Even the tray.